हे गाइस, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? आशा है कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। गाइस, आज मैं सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ गया था और मैं अभी सुबह सुबह वीडियो अपलोड करके और मैं छत पे आया हूँ। सुबह वीडियो उठा और उसके बाद वीडियो अपलोड किया। अभी छत पे घूम रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग अभी से ही स्टार्ट कर दिया जाए। भाई, सुबह उठने का कुछ रीज़न है खास से। चलना है कहीं, गाड़ी वाड़ी देखना है एक आध, क्योंकि गाइस जो मैं गाड़ी चला रहा था वो डीजल गाड़ी थी और हमारे पटना टाउन में मतलब डीजल गाड़ी है जो बंद हो गया। तो अभी सोच रहे हैं कोई सीएनजी गाड़ी मिले तो उसे चलाएं, क्योंकि बैठने से काम चलने वाला नहीं है। और आप लोग का सपोर्ट अभी उतना मिल नहीं रहा है कि यूट्यूब के पेमेंट से एडजस्ट कर सके। तो गाइस गाइस अभी ये जो थोड़ा परेशानी मेरे साथ विशेष है, जो मैं क्या आप लोगों के साथ शेयर करूं, वो मैं हफ्ते 10 दिन से मैं बैठा हूं, गाड़ी बंद हो गई है तो वो चलाने में उतना वो होता नहीं है, आमदनी होती नहीं है। इधर उधर मैं चलता नहीं हूं, मैं पटना चलता था उधर ही गाड़ी चलाता था, थोड़ा प्रॉब्लम तो हो रहा है। सब इतना पैसे नहीं है अभी फ़िलहाल कि मैं सीएनजी खरीद सकूं। तो गाइस आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें और हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के घंटी को ऑल पे कर दीजिएगा। तो अभी तो सुबह ही है, अब चलते हैं दोस्तों, स्नान स्नान करेंगे। और आज मंगलवार है तो सुंदरकांड भी पढ़ना होता है, तो सुंदरकांड का पाठ करेंगे। और आप लोग भी करना चाहते हैं तो सुंदरकांड का पाठ बहुत अच्छा चीज़ है, आप कर सकते हैं मंगलवार और शनिवार को, हम करते हैं तो आप लोग भी कीजिएगा, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं ब्लॉग में, चलते हैं पहले नहा धोवा के फ्रेश हो लेने के लिए। ठीक है गाइस, बेटा सुबह सुबह उठ गया है श्री बाबू, छिया कर लिया है, छिया कर लिया बेटा, छिया कर लो, कैसा कह लो, कहाँ कह लो, छिया कने के लो, उन्हें मुंह धो ले लो, ना धो लूँगा भैया, सुतल है, कहाँ सुतल हो, तो उधर गया है भैया को देखने के लिए, भैया सो रहा है उसका, भैया के जगह हो, ये भैया सुतल हो दोनों जगह में, तो हकाओ भैया के, चढ़ जा, ये देखिए चढ़ रहा है। चढ़ गया भैया की जगह, भैया की जगह, तो जगह भैया को बोल, भैया देखिए जगा रहा है। ये कूलर वूलर कर रहा है खाली। ये रुदन भी उठ गया, देख लीजिए ये मुंह नुका रहा है। श्रियांश भैया कने, भैया सुते संभव भैया, देखिए देख, मम्मी का पूजा हो गया है, वो थोड़ा जल्दी उठकर पूजा कर लेती है, जैसा कि आप लोगों को आवाज आ रहा होगा घंटी का, आरती कर रही है। हम भी चलते हैं पूजा पाठ कर लेने के लिए गाइस। ठीक है, मिलते हैं पूजा करने के बाद। तो फाइनली गाइस
पूजा वूजा हो गया और अब चाय भी पी लेते हैं। चाय पी के फिर निकलेंगे, नाश्ता वास्ता देखते हैं, बाहर ही कर लेंगे क्योंकि उधर निकलना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस अभी फाइनली आ गए हैं रोड पे और यहाँ पे से ऑटो पकड़ेंगे। हम अभी गांव के ठाकुर बाड़ी के पास खड़ा है तो हम यहाँ से ऑटो पकड़ेंगे फिर चलेंगे आगे। साबु सब ना बना है अब ना बना था जड़ बात नहीं है तो ना कहे तो बने बने ही हम तो लगे कि बनाइए ले ही। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके थे घर। अभी गाड़ी के लिए तो गए नहीं, उधर उधर गए थे बट घूर के आ गए, कुछ काम था वो काम करके आ गए। गाड़ी तो अभी मिली नहीं है। घर पे आए हैं तो थोड़ा काम घर का भी कर लिया, इधर थोड़ा सा साफ सफाई करना था, इधर ये सब खाली जगह को करना था तो ये सब किए, और थोड़ा सा एक्वेरियम था उसको भी थोड़ा साफ सुथ कर लिए। गाइस काफ़ी दिन पहले लाए थे एक्वेरियम तो इसमें मछलियाँ सब मर गई थी तो फिर हम लाए नहीं थे, ऐसे ही रखा हुआ था। अभी इसको साफ सुफ कर लिए हैं, धोधा दिए हैं और यहाँ पर रख दिए हैं। अभी इसको मैं पानी वानी डालेंगे फिर देखेंगे इसको मिलाएंगे मछलियाँ। ठीक है गाइस, तो फाइनली अभी मुझे निकलना है थोड़ा सा मार्केट में और जाना है पोस्ट ऑफिस में, मतलब पता करना है कि मेरा, मैं एडसेंस पिन के लिए अप्लाई किया था तो वो अभी तक मेरा आया नहीं है। तो अभी जाके पता करना है कि क्या वजह है, मतलब आया है नहीं आया है, या मतलब उनको कह देने से थोड़ा सा ध्यान में रहता है, नहीं तो वो इतना छोटा सा कागज़ होता है उसके ऊपर आदमी ध्यान ही नहीं देता है। तो चलते हैं अभी थोड़ा मार्केट और देखते हैं पोस्ट ऑफिस में जाके कि एडसेंस पिन मेरा आया है या नहीं आया है, कब तक आएगा। तो फाइनली अभी पहुंच गए हैं बाज़ार में। तो गाइस अभी है जो हमारा एडसेंस पिन के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो पाई, अभी हम पोस्ट ऑफिस के बाहर ही हैं और यहाँ पे आए तो यहाँ के और स्टाफ थे जो बोले कि ये मुझे पता नहीं है, जो आपके एरिया का पोस्टमैन है जो चिट्ठी कागज़ जो भी होता है जो पहुँचाते हैं उनसे आपको मिलना पड़ेगा। तो हम उनके घर जाएंगे और उनसे पता करेंगे कि कब तक आएगा और नहीं आया है, तो जब आए तो हमें इन्फॉर्मेशन कर दें। तो ठीक है गाइस, तो फाइनली गाइस अभी आ चुके हैं घर और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के घंटी को ऑल पे कर दीजिएगा और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।